मायसेल्फ गिरिराज साध अग्रवाल आपके सामने आज एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। आज का बिंदु हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियोज में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में बताया था। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिंदु चल रहा है, प्रेजेंट टेंस अपना पूरा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट के दो वीडियोज अपने कंप्लीट हो गए और अब आगे आज का है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो विशेष रूप से करेक्ट फॉर्म भरने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज किया जाता है? एडवर्ब। अब एडवर्ब का यूज हम किस प्रकार से करते हैं देखिए। पहचान, हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होती है पहले बता चुका, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब का यूज करते हैं। मुख्य क्रिया की बी वन प्लस आई एन जी फॉर्म का यूज करते हैं। तो बी वन प्लस आई एन जी फॉर्म का यूज करते हैं। पैसिव, पैसिव में हम वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस बी थ्री लगाते हैं। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में इस टेंस का यूज कब किया जाता है? भैया जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हर टेंस का अलग अलग एडवर्ब होता है और उस एडवर्ब के आधार पर हम क्रिया की फॉर्म बनते हैं। तो इसका पहला यूज जो है वो क्या है? दैट डे, दैट नाइट, दैट डे, दैट नाइट, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज आदि एडवर्ब आने पर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो एडवर्ब थे उसकी दूरी बढ़ती जाती है, दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्थान पर किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरा, जब दो वाक्य वाइल से जुड़े हो तो वाइल से जुड़ने वाले भाग में वाज वर्ब प्लस बी वन आई एन जी फॉर्म का यूज करते हैं। विशेष रूप से तो यही यूज हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो दूरी बढ़ी है तब आया है, ये विशेष है वाइल। जैसे वैन से वाक्य जुड़ता है, आपको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बताया था, वैन से जुड़ने वाले भाग में वैन वाले भाग में बी टू लगाते हैं। अब यहां पर वैन के स्थान तक क्या जुड़ रहा है? वाइल। तो जब वाइल से जुड़ता है तो वाइल वाले भाग में हम वाज वर्ब प्लस बी वन ing फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले एडवर्ब एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, शी रिक्त स्थान फूड इन द किचन एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। क्वेश्चन में कुक, इसी प्रकार कोई भी एडवर्ब आ सकता है, दैट डे, दैट नाइट भी आ सकता है, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज। तो यहां पर मैंने कहा एट दैट टाइम, तो कुक का क्या हो जाएगा? शी के साथ वाज कुकिंग। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर आ जाता, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है वाज और प्लूरल में आता है वर। सिंगुलर सब्जेक्ट में वाज और प्लूरल में क्या आता है? वर। तो इसने शी वाज कुकिंग फूड। इस प्रकार से जैसे यहां पर एट दैट टाइम आ रहा है, देन भी आ सकता है, नाउ का क्या होता है? देन, दिस का देट और दीज का दोज। तो ऐसे शब्द आने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्थान पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दूसरा मैंने जो बताया है, जब दो वाक्य वाइल से जुड़े हो, किससे जुड़े हो बताइए? वाइल, वाइल से जुड़े हो तो वाइल से जुड़ने वाले भाग में वाज वर्ब प्लस बी वन आई एन जी फॉर्म का यूज करते हैं। तो वाइल से जुड़ने वाले भाग में वाज वर्ब प्लस बी वन आई एन जी फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए अब हम कैसे करेंगे वाज वर्ब प्लस बी वन आई एन जी फॉर्म का यूज, ये भी मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल की दृष्टि से। जैसे वैन लगाया था
उसी प्रकार से वैन के स्थान पर क्या जाता है वाइन। जैसे वाइन वाइन आई इन माई रूम कोमा द टेलीफोन द टेलीफोन बेल रिंग लाउडली। पोस्टर ले गया स्लीप। तो इसमें कहीं भी कोई समझने वाली बात नहीं है। वाइल आई इन माई रूम द टेलीफोन बेल रिंग लाउडली। कोष्टक में क्रिया क्या दे रखी है आपको स्लीप। तो हमको वाइल को देखकर क्या भरना है वाज वर्ब प्लस आईएनजी। अब आप ध्यान करेंगे यहां पर आई दे रखा है आई सिंगुलर है इसलिए हम यहां पर क्या लगा देंगे वाज। स्लीप में आई जोड़ेंगे क्या हो जाएंगे स्लीपिंग। तो वाइल आई वाज स्लीपिंग इन माई रूम द टेलीफोन वेल रेंग लाउडली। जब भी मैं कमरे में सो रहा था तब टेलीफोन की घंटी जोर से बजी। अगर वाइल बीच में आता है तो ये वाज वर्ब प्लस आईएनजी बाद वाले खंड में जाएंगे। तो वाइल के अपोजिट साइड बी टू फॉर्म मिलती है जरूर ध्यान रखना। यहां पर जैसे ये क्या दे रखी है रेन सेकंड फॉर्म में। तो जैसे माई मदर कुक्ड फूड वाइल वी टेलीविजन। पोस्टर में लिख दिया वाच। क्या लिख दिया वाच। तो अब आपके समझ में आया होगा कि वाइल दे रखा है क्या लिखेंगे वाच वर्ब प्लस आईएनजी क्योंकि कुक्ड आ रहा है सेकंड वाइल के अपोजिट साइड में सेकंड फॉर्म होती है। तो माय मदर कुक्ड फूड वाइल वी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वर का यूज करेंगे। तो वाइल वी वर क्या करेंगे वाच। तो वाच का क्या हो जाएगा वाचिंग। इस प्रकार से मुख्य रूप से यही एडवर्ब है वाइल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके आधार पर हम जैसे वैन वाला वाक्य है तीसरा यूज भी है जो मैं आपको बता चुका उसका डिटेल हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब दो वाक्य वैन से जुड़े होते हैं तो वैन वाले भाग में बी टू फॉर्म का यूज करते हैं लेकिन अपोजिट भाग में हम वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आपने यहां तक का लिख लिया होगा या फिर आपने स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा। नहीं लिया तो ले ले या फिर आपको लिख ले। तीसरा यूज मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं जो मैंने आपको डिटेल बताई थी उसी को मैं शॉर्ट में ले रहा हूं। देखिए तीसरा यूज है इसमें जो मैं पहले बता चुका वेन से जुड़ने वाले वाक्यों में वेन से जुड़ने वाले वाक्यों में वेन के विपरीत भाग में वेन के विपरीत वेन से जुड़ने वाले वाक्यों में वेन के विपरीत भाग में वैन से जुड़ने वाले वाक्यों में वैन के विपरीत भाग में वैन वाले में नहीं आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। वैन वाले भाग में तो बी टू आएगा फिर सपोजिट साइड में आ सकता है। जैसे वैन वी Entered in the room. जैसे जब हमने कमरे में प्रवेश किया when we entered in the room, comma,
द चिल्ड्रन रिक्त स्थान, ए नॉइज पोस्टर मतलब मैक क्या लिख दिया मैंने मेल, तो यहां पर आ सकता अपोजिट साइड में अर्थ करने पर अगर बैठ रहा है तो यहां पर आ सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा वर्ब मेकिंग। तो वेन वी एंटर्ड इन द रूम, जब हमने कमरे में प्रवेश किया तो चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, बच्चे कमरे में शोर कर रहे थे, द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइज। तो अर्थ बैठ गया, अगर अर्थ नहीं बैठता तो क्रिया बदलना पड़ती। तो अपोजिट साइड में तो अर्थ बैठने पर है, अर्थ नहीं बैठता तो यहां पर हो सकता है बी टू फोर में मुझे लगानी पड़ सकती थी, हेड पर बी थ्री भी लगाना पड़ सकता था, लेकिन यहां पर फिक्सेस बी टू। उसी प्रकार से वाइल से जुड़ने वाले भाग में वी वन वाज वर प्लस बी वन आई एनजी फॉर्म का यूज करते हैं। यहां पर यह टेंस भी मेरा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और अंत में सबसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, पसंद आया हो तो लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज का लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।